The young people are the ones who most quickly identify with the struggle and the necessity to eliminate the evil conditions that exist. Hello, I am Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. And in case if you haven't subscribed to our channel, then please do it now. And do not forget to share. Share this video as well as the other videos on our channel. Thank you. So 12th standard, board examinations. Well, you all will definitely agree with me that this is one of the most crucial and important year of our lives. And no matter how many times hum is fact ko deny kare ki 12th matter nahi karti, marks matter nahi karte, it's just a phase of our lives. Well, I agree ki of course it is a phase of our life, but an important one indeed. Aur har ek student ki life mein ye ahmiyat rakhta hai. So pressure se deal karna, ek slight nervousness se deal karna, दूसरे स्कूल में और कम्प्लीटली डिफरेंट स्कूल में जाकर एग्जाम देना, ये भी तो एक अलग एक्सपीरियंस ही होता है ना, विच एवरी इंडिविजुअल विल लाइक टू गो थ्रू, राइट? इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन द एंड, है ना? बट नाउ विद बोर्ड एग्जाम्स कैंसिलेशन, रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द 31st ऑफ जुलाई, एंड इन केस अगर कोई स्टूडेंट अपने ही रिजल्ट से इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही और शी कैन एक्चुअली अपीयर फॉर अ फिजिकल एग्जाम इन ऑगस्ट. और इस अपडेट पे भी एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है. सो आई थॉट मी टॉकिंग अबाउट इट एंड डिस्कसिंग अबाउट इट रियली नॉट गिविंग यू मच ऑफ अ क्लैरिटी, राइट? सो आई थॉट व्हाई नॉट स्पीक टू द वंस हु आर एक्चुअली इन दैट सिचुएशन फेसिंग इट फॉर मोर देन अ ईयर. यस, जहाँ एक तरफ रिजल्ट का थॉट एंड हाउ मच दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन देयर फाइनल एग्जाम्स, तो दूसरी ओर एंट्रेंस एग्जाम्स, उसकी प्रिपरेशन. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन. So to give us better and more insights on the current situation and what exactly is there in their mind. So in today's segment, we have with us Sanvi Singh Chahar from Cambridge School, Indrapuram, Jia Goyal from Hans Raj Model School, Punjabi Bagh, New Delhi, Bhavya Gupta from Delhi Public School, Rohini, and Sargam Mishra from Delhi Public School, Rohini again. And these very bright 12th standard students are going to share their own experiences and their take on the current scenario. Jahan ek taraf we think that things are coming back on track for these students as well, but is it really coming back on track? Let's find much girls for connecting with us and welcome to DNP India. So how does it feel that things are coming back on track? कि कुछ चीज़ें के अनाउंसमेंट हो चुके हैं कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या है, सो और इज इट रियली ऑन ट्रैक? सो आई वांट टू नो योर टेक ऑन दैट फर्स्ट, स्टार्टिंग विद यू सांवी. आई वुड से दैट थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक, मतलब बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट जो क्लैरिटी आ रही है एंड ऑल द अनाउंसमेंट्स दैट आर बीइंग मेड वो बहुत इंटरवल्स पर आ रही है. तो लाइक एक अनाउंसमेंट अभी होता है एंड दूसरा अनाउंसमेंट जो है वो उससे रिलेटेड ही है बट वो बहुत बाद में आता है. तो इन द मीन टाइम हमें पता नहीं होता कि लाइक वेयर शुड वी फोकस, मतलब हमारा इंक्लिनेशन किस साइड पे जाना चाहिए. बिकॉज जब 10th के बोर्ड्स कैंसिल हुए थे इनिशियली, तो उसके 2 months बाद 12th का अनाउंसमेंट आया था 1st June को कि कैंसिल हो गए. तो फॉर दोज 2 months वी वर लाइक कि क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड्स के लिए, क्या हमें एंट्रेंस पे फोकस करना चाहिए. बट स्टिल क्योंकि न्यूज में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, सो वी वर स्टिल फोकसिंग ऑन सीबीएसई क्योंकि सीबीएसई वॉज मतलब बिल्कुल पास में आने वाला था. तो वी वर ट्राइंग टू फोकस ऑन सीबीएसई एंड फिर अनाउंसमेंट आया कि अब सीबीएसई के बोर्ड कैंसिल हो गए. फिर उसके बाद एकदम से वी हैड टू शिफ्ट बैक टू आर एंट्रेंस प्रिपरेशन. तो वो थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलती है. एंड अभी भी जैसे कॉलेजेस, अगर हम सिर्फ कॉलेजेस पर ध्यान दे रहे हैं तो कॉलेजेस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें श्योरिटी नहीं है. जैसे DU इज टोटली बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड सीबीएसई हैज सेड कि 31st को रिजल्ट आएगा एंड दैट रिजल्ट इज जो स्कूल हमारा बनाकर देगा. एंड आई फील इज दैट दैट इज टोटली अनफेयर, मतलब अगर स्कूल हमारा असेसमेंट कर रहा है. बिकॉज सीबीएसई में एक बोर्ड होता है, वही ऑल ओवर इंडिया सबका रिजल्ट बनाता है. बट स्कूल सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग टीचर्स होते हैं जो चेक करते हैं, तो बायसनेस आ जाती है. कुछ स्कूल्स में यू मे हियर कि ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर्स देता है और कुछ स्कूल्स नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो दे ट्राई टू से कि हम प्री बोर्ड्स में फुल मार्क्स नहीं देंगे, ये कहकर कि आप और मेहनत करो तो आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे ले आओ. दैट दे टेल अस अ रेंज कि अगर आप प्री बोर्ड्स में इतने ला रहे हो तो आपके बोर्ड में इससे 10% ज्यादा तो आ ही जाएंगे.
सो दे होल्ड अस बैक. वो हमको मतलब बहुत टाइट एंड स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, हमें जानबूझकर कम मार्क्स देते हैं, नॉट टू डीमोटिवेट अस बट टू मोटिवेट अस कि चलो हम और ज्यादा मेहनत करें. इट्स देयर वे, राइट? या या इट्स देयर वे. अब वी नेवर न्यू कि अब ये वाला जो उनका वे है, द होल एग्जामिनेशन जो हमने ऑनलाइन सारे दिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हमने जितने भी छोटे छोटे असेसमेंट दिए, एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ देम वर एमसीक्यूज, फिर उसके बाद वी टर्न टू सब्जेक्टिव. हमें भी यूज टू होने में टाइम लग गया था एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज एवरी वन नोज बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करते हैं. बट द वंस जो नहीं करते हैं वो और जो चीटिंग करते हैं दे ऑल केम टू द सेम ग्राउंड. मतलब वो तो इक्वली हो गए ना, चाहे जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में और जो अच्छा बच्चा नहीं है पढ़ने में, वो सब इक्वल हो गए. क्योंकि अब स्कूल के बेसिस पर हो रहा है तो वी आर स्केर्ड कि अगर हमारे पास बोर्ड की अपॉर्चुनिटी होती तो हम बहुत अच्छे नंबर ले आते. और क्योंकि हमारा मेन फोकस वही था, हमें शुरुआत से यही बताया जाता है कि प्री बोर्ड्स मैटर नहीं करते, ट्वेल्थ में इंटरनल मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन बोर्ड्स. और आप बोर्ड्स में ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पहले कितने आए. एंड ऑल ऑफ अ सडन अब प्री बोर्ड्स के मार्क्स ही मैटर कर रहे हैं एंड उसमें इतने वेरिएशन होते हैं दैट वी आर स्केर्ड कि जितने हम बोर्ड्स में ला सकते थे अब हम प्री बोर्ड्स के बेसिस पर नहीं ला सकते. तो एक तरीके से हमारी जो होप है, जो उम्मीद होती है ना कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो कट डाउन होगी. सेकेंड बात ये आती है कि DU इज टोटली बेस्ड ऑन CBSE क्योंकि वो CBSE मेरिट बेसिस पर. अब मेरिट की कट ऑफ भी सबको पता है कि DU के टॉप कॉलेजेस की कितनी जाती है, जैसे सेंट स्टीफन की इकोनॉमिक्स ऑनर्स 99.25 एंड वो स्कूल के बेसिस पर आना अगर स्कूल इंटरनल असेसमेंट करके दे रहा है, दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. क्योंकि स्कूल अपना भी एवरेज बढ़ा नहीं सकता इस साल, उसको अपने एवरेज के विदिन ही रहना पड़ेगा या 1-2% की डिफरेंस आ सकती है. तो अब 31 जुलाई को हमारा स्कूल अनाउंस करेगा रिजल्ट. फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि CBSE ऑप्शनल बोर्ड्स हो सकता है. वी आर स्टिल नॉट श्योर क्योंकि अब थर्ड वेव भी आ रही है एंड डेल्टा के भी केसेस आ रहे हैं, डेथ्स भी एक आध मतलब सुनने में आई है. तो अब 15 अगस्त अगर और 15 अगस्त से 15 सितंबर अगर ऑप्शनल बोर्ड्स हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द हाई टाइम जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं. बिकॉज टुमारो ऑल्सो वी हैव एन एंट्रेंस एग्जाम एंड अब से ये मतलब स्टार्ट होगी, मतलब इट्स अ सीरीज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स की अब स्टार्ट हो गए हैं एंड दीज आर मोस्टली द प्राइवेट वंस एंड लाइक IIT यूनिवर्सिटी, NMIMS, सिम्बायसिस. तो इनका हमने दे दिया बट द वंस हु आर एस्पायरिंग फॉर DU इट्स स्टिल वेरी अनसर्टेन कि पेपर पैटर्न कैसा होगा अगर वो एंट्रेंस ले रहे हैं. और CUCET होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता. पेपर पैटर्न कैसा होगा, कट ऑफ कैसी होगी, हमारी अप्रोच स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज अ लिटिल मेस्ड अप राइट नाउ. तो अगर 15 सितंबर को ऑप्शनल बोर्ड्स मान लीजिए खत्म होते भी हैं तो दे विल टेक टाइम फॉर द रिजल्ट्स क्योंकि हमारे स्कूल ने 2 महीने लगा दिए अभी रिजल्ट्स निकालने के लिए. CBSE बोर्ड विल ऑल्सो टेक टाइम बिकॉज ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स विल गिव द एग्जाम, जो भी सिलेक्टेड होंगे जो देना चाहेंगे अपनी मर्जी से. तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में आया, नवंबर में एडमिशन प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन जो भी स्टार्ट होती है DU के एंड दिसंबर में जाके सेशन स्टार्ट होगा. तो मतलब ये पूरा डिले हो गया. वंस इट्स कंफर्म कि कैसे करना है क्या करना है तो वी आर ऑल्सो स्टिल वेटिंग फॉर 15 जुलाई बिकॉज 15 जुलाई में बोला था DU ने कि वो बताएगा अबाउट द एंट्रेंस एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो वी आर वेटिंग फॉर 15 जुलाई, देन वी आर वेटिंग फॉर 31 जुलाई, फिर वी आर वेटिंग फॉर 15 अगस्त टू 15 सितंबर, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा. तो मतलब नथिंग इज एक्चुअली ऑन ट्रैक. एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड, आपकी बातों से मुझे यही लगा. एंड या यू आर स्टिल होपिंग कि और अच्छे से क्लैरिटी मिले. सो जिया, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट अबाउट थिंग्स बीइंग ऑन ट्रैक एंड नॉट, टेल मी अबाउट इट. फॉर मी इट इज ऑन ट्रैक काइंड ऑफ बिकॉज मेरा साल के शुरू से ही फोकस वॉज ऑन एंट्रेंस एग्जाम. वॉट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? I am preparing for Narsi Munji IIMS NPAT exam and I am in there. So I have a target ki mera 15 July ko paper hai. So I have to prepare for that only.
एंड मेरा कल भी एग्जाम है एनपैट का, सो आई हैव टू गिव दैट. सो बोर्ड्स काइंड ऑफ मैटर टू मी, क्योंकि फ्यूचर में भी ट्वेल्थ के मार्क्स कहीं ना कहीं फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल देखे जाते हैं हर जगह, तो दैट वुड मैटर. बट एक फॉर अंडर ग्रेजुएशन इतना नहीं फर्क पड़ेगा. एंड भव्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरा भी एक्चुअली, मैं भी शुरू से ही 11th से इनफैक्ट एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई. तो मतलब बट इट्स जेईई में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक कि उसके थ्रू एडमिशन लेना इज काइंड ऑफ एन आइडियलिस्टिक थिंग. मतलब आपको एक बैकअप के लिए बोर्ड्स के मार्क्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं. एंड इवन विद यूनिवर्सिटी लाइक थापर यूनिवर्सिटी इज अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी वो लोग बोर्ड्स वगैरह कंसिडर करते हैं. एंड ऑल्दो देर इज स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वो जो 5% वाला था कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो स्कूल की प्रीवियस ईयर एवरेजेस आई हैं, बट मेरे को फिर भी लगता है कि 5% से कुछ हो नहीं पाएगा. बिकॉज मेरे शायद 11th में शायद 84 के आसपास थे, 10th में बहुत अच्छे थे, 10th में 97-98 के बीच में थे मतलब. और लेकिन फिर 12th में अगेन मेरा मेन फोकस जेईई था, तो मैंने इतना जो स्कूल के एग्जाम्स हो रहे थे स्पेशली ऑनलाइन वगैरह में इतना नहीं दिया, बस एग्जाम दे दिया, दैट वाज इट. मैंने उसके लिए कोई प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की, तो अब उसके लिए तो पे करना पड़ेगा. एंड कितने लोगों ने चीटिंग करके लाइक ऑनलाइन में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है अगर स्कूल चाहे भी, तो वो नहीं रेगुलेट हो पाएगा मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से. बट क्या सीन है, मतलब क्या उसकी क्लैरिटी नहीं है? हाँ, उस एक्चुअली हमारे 4 फेजेस में होना है जेईई मेंस का एग्ज़ाम, जो जिससे ज़्यादा काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं जो बीटेक एंट्रेंस के लिए. तो उसमें 2 हो चुके हैं, 2 बार हो चुका है एंड 2 और होने हैं. तो उसमें जो भी आपके, अगर आपको 4 अटेम्प्ट देने हैं आप कितने भी दे सकते हो, एंड उसमें से जो बेस्ट होगा वो लगेगा. सो आई हैव गॉटन, अभी मार्च में आई हैव गॉटन 98.3 इन दैट, विच इज़ डिसेंट, बट आई एम होपिंग टू इम्प्रूव दैट. अभी उसकी भी कोई डेट्स नहीं आई हैं, थर्ड वेव से पहले होपफुली हो जाए, बट उन्होंने देन अगेन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एडमिट कार्ड आना होगा, उस सब में टाइम लगता है. एंड उन्होंने बोला है 15 दिन पहले बताएंगे एग्जाम से, सो होपफुली हो जाए थर्ड वेव से पहले. एंड सरगम, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, आई हैव मेडिकल, सो इन अ सेंस मैं भी खुशी हूँ कि मतलब कुछ हद तक आई थिंक ऑल साइंस स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी कि वी हैव बीन एबल टू डू अवे विद द बोर्ड्स, नाउ वी कैन focus only on our entrance exams. तो वो एक relief तो रहता ही है. एंड ऑफकोर्स बोर्ड कैंसिल होने से सेफ्टी इशू तो foremost था ही, बट ऑल्सो आई help but feel disappointed to an extent. And like that's because all our lives हमें यही कहा गया है कि what you're aiming for is to score well in the boards. 12 boards तो school life का एक तरह से closure होता है. And that just straight up being cancelled, वो एक बहुत बड़ा shock भी था, आधा relief आधा shock. और इस evaluation policy को लेकर तो I think many students are unhappy, because like Sanvi and Jia and Bhavya said, it's very unfair to good students, which is ironic because like I know so many people जो हर exam में ही cheating करते थे. और about the evaluation policy, 11th के marks लगना तो I am strictly against, because 11th is such a class where everybody, no matter which stream, gets a shock. और further, not just the curriculum which increases in difficulty, it's also our teachers who are marking us, मतलब कम number देते हैं कि 12th के लिए prepare करें. और paper इतना difficult आता है, along with जो हमने अभी subjects दिए हैं, we have never studied them. फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो 10th तक तो होते ही नहीं है. सो वी आर ऑल गेटिंग एक्सप्रीमेटाइज्ड टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ सॉर्ट, एंड टू मार्क अस इन 12th ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस इज जस्ट नॉट डन. इट्स नोबडी टेक्स 11th सीरियसली, वी हैव जस्ट कम फ्रॉम 10th, बोर्ड देके आए हैं, सब थके होते हैं और सबकी परसेंटेज बहुत बहुत स्टीप डिप देती है. तो 11th तो ऐसी बात. और पर मतलब अगेन the alternative is what? To conduct CUSET or entrance exams, that will also not be fair, because उसकी तैयारी तो पूरी तरह ही अलग होती है. बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर किसी की अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा लाए. तो लाइक इस समय देर इज रियली नो वे आउट. जो भी आप रास्ता ले लें, इट विल देर विल बी सम पीपल हु आर हैप्पी विद इट, सम पीपल हु आर अनहैप्पी विद इट. तो वी कैन नॉट इवन कम्प्लीटली ब्लेम द गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन. Although we may have some disapproval on what they did, but like इस समय कोई भी कुछ नहीं कर सकता, criticism ही मिलेगा.
बट आई डू थिंक कि अगर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करा के और बोर्ड पोस्टपोन करा देते मतलब दे स्टिल हैव गिवन अस द ऑप्शन ऑफ रीटेकिंग द बोर्ड्स इफ वी आर नॉट सैटिस्फाइड बट अ वेरी मिनिमल पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू दैट आई डोंट थिंक आई थिंक मेजोरिटी हमारी क्लास में से भी अगर पूछ लें तो दो तीन बच्चे ही होंगे जो देने वाले हैं एंड आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू द होल प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड्स एंड गिविंग देम अगेन तो वो तो आई डोंट थिंक दैट विल मैटर मच कि दे आर अलाउिंग अस टू टेक द बोर्ड एग्जाम आई थिंक इट वुड हैव बीन आइडियल इफ दे हैड वैक्सीनेटेड ऑल स्टूडेंट्स एंड देन पोस्टपोन द बोर्ड्स टू से ऑगस्ट वेयर दे आर नाउ टेकिंग द सेकेंड राउंड ऑफ बोर्ड फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑलरेडी आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द बोर्ड वर इन द 17 एंड 18 एज Some may have been from 16, but like I know many people who are 17-year-olds and they have gotten vaccinated because vaccination drives me, they are seeing the year of birth and not the date of birth. So if they are already vaccinating 17-year-olds, then they should have banked upon it. They should have uska fayda uthana chahiye tha aur board ko postpone kar dena chahiye. Well, that's a really good point that you you know pointed out. And अभी जैसे आपने बोला कि exams के you gave an other alternative. तो मैं दूसरे लोगों से you are the young minds, you the youth. आपके I know बहुत सारे ideas होंगे. आप लोग सोचते रहते होंगे. So I would want to know your take कि और कौन से like she mentioned about vaccination and उसके बाद हम boards ले सकते थे. आप तीनों का क्या कहना है कि और if you have any alternative other than that कि अगर कोई और way out है की बोर्ड्स दे सकते थे और या लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था या कोई और अदर इनोवेटिव वे यू हैव इन माइंड देन प्लीज शेयर इट विद आवर ऑडियंस आई थिंक लाइक सरगम सेड आई टोटली अग्री टू हर बिकॉज मेरा भी सेम पॉइंट था कि बोर्ड्स आप अभी भी 15th अगस्त से 15th सितंबर टेंटेटिव डेट्स जो आई हैं आप तब भी ले रहे हो और अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड नाउ I just got vaccinated tomorrow, yesterday. So, and some of my friends got vaccinated today. Some of them are getting vaccinated tomorrow. So, हमारा जो friends group है, अब everyone is becoming aware. तो वो जाकर vaccine लगवा रहे हैं. फिर उनको next dose भी लग जाएगी. अगर ये वाला थोड़ा सा early हो जाता, क्योंकि दोनों dose के बीच में there has to be a 3-month gap. तो अगर ये चीज थोड़ी पहले हो जाती, अगर students को थोड़ा पहले prioritize कर दिया जाता. तो आई थिंक कि हम बोर्ड्स के लिए अपीयर होने के लिए मतलब एलिजिबल थे और बिकॉज जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है आई थिंक कि वो जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया काफी चीजों को ठीक है वो पूरे पूरे दिन घर पे बैठ के पढ़े हैं दे टुक बोर्ड्स सीरियसली तो उनको वो पे ऑफ भी होना चाहिए मतलब दे शुड गेट व्हाट दे डिजर्व बिकॉज फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ डोंट यू थिंक उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स होना चाहिए था मतलब सीनियर सिटीजन हो गए फिर उसके बाद 45 प्लस एज वाले हो गए देन इट शुड हैव बीन द स्टूडेंट्स नेक्स्ट बिकॉज अब तो जब 18 प्लस आई गया था तो फिर तो ये रैपिडली हो जाना चाहिए था बिकॉज आई थिंक बहुत सारे हमें से तो मतलब पीक तक जाकर जो फर्स्ट में को पीक आई थी वी हैव मतलब टच दैट बिकॉज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के घर पर भी कोविड हुआ था हमें भी हुआ था तो अभी नाउ वी आर इन अ बेटर स्टेट बट नाउ एकदम से कैंसिल करके फिर से लेना बिकॉज इट इज काइंड ऑफ स्कैरी फॉर अस ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू दैट ऑल ओवर अगेन मतलब सीबीएसई की प्रेपरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन एंड पूरे साल अगर हमने सीबीएसई करी है एंड ऑल ऑफ अ सडन वी स्विच टू एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता दैट व्हाट दे हैव टू डू किससे स्टार्ट करें एंड लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स दे हैव टू जस्ट प्रिपेयर एन अपीयर बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर मतलब जस्ट फोकसिंग ऑन बोर्ड्स बिकॉज बोर्ड्स के बेसिस पर मेरिट बेसिस पर बहुत सारे दे कुड गेट इनटू यू नो द गुड कॉलेजेस द टॉप कॉलेजेस ऑफ डी यू बिकॉज डी यू की यही हुआ करती थी पहले तो अगर सी यू सी टी भी हो रहा है तो मतलब दे शुड लेट अस नो कि कब होगा कैसे होगा पेपर पैटर्न और इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड्स लास्ट टाइम तक भी वी ऑल वर यू नो प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर बोर्ड्स यार चलो अब हो जाए एक बार चलो 2 महीने और पोस्टपोन हो जाए हम कर लेंगे और महीने बस 2 महीने की तो बात है फिर तो मतलब लाइफ सेट है ना एक तरीके से बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स जैसे जिया ने कहा
कि यूजी में अंडर ग्रेजुएट में इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे क्योंकि अभी दे हैव गिवन अस अल्टरनेटिव मेथड्स कि आप एंट्रेंस के थ्रू चले जाओ या ये सब चले जाओ बिकॉज दे हैव गिवन द कोविड बैच सम प्रिविलेज बट ये चीज प्लेसमेंट्स में आई गेस ये मैटर करेगी बिकॉज उनका हमारे सामने पूरा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हमारी सारी चीजें मेंशन होंगी कि हमने कितना स्कोर किया था बोर्ड्स में एंड दैट समहाउ मैटर्स बिकॉज प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली कॉलेज के बेसिस पर भी होगी आपने क्या कोर्स लिया है आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है बट द ओनली लेजिटिमेट यू नो एग्जाम दैट यू हैव गिवन जो बहुत स्ट्रांगली आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है बिफोर गेटिंग इन टू कॉलेज वो हमारा बोर्ड भी था तो दैट इज सम बेसिस एंड जो इतनी हाइप होती है कि 12 बोर्ड्स रियली मैटर 12 बोर्ड्स रियली मैटर इट डज एक्चुअली बिकॉज फिर अगर प्लेसमेंट्स में डिफरेंस कहाँ जाता है जो एवरेज पैकेज जिनको मिलता है और जिनको हाइएस्ट पैकेज मिलता है सो देर इज सम डिफरेंस बिकॉज जो टॉप क्रीमी लेयर होती है एंड 11th में जैसे सरगम ने कहा कि 11th के बेसिस पर तो सबका ही ग्राफ एकदम से डिप कर जाता है बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर न्यू टू यू यू हैव टू यू नो गेट यूज टू योर सब्जेक्ट्स बिकॉज यू हैव नेवर सीन देम नेवर यू नो टच देम एवर बिफोर तो आपको उनको यूज टू होने में टाइम लग जाता है तो पूरी 11th तो आपकी उन सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप बनाने में चली जाती है एंड फिर उसके बाद 12th में यू एक्चुअली गेट सीरियस कि हाँ नाउ आई हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स एंड फिर उसके बाद आई एस तो वो जो सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो मतलब थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स की होती है कि हमें इतने अच्छे मार्क्स लाने वो एकदम से वैनिश हो गए बट डोंट यू थिंक जैसे आपने बोला एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल तो जब आपके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं आपका सिलेक्शन हो रहा है देन डोंट यू थिंक वो आपको एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा बिकॉज एवरीवन इज ऑन दैट लेवल एंड एवरीवन नोज अबाउट द पैंडेमिक प्लेसमेंट्स की जो बात है दैट विल बी आफ्टर 3-4 इयर्स अभी कोविड इज ऑन द हाइट ठीक है कोविड बिल्कुल कोविड 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 हर जगह कोविड की बातें होती हैं बट हमारे से पहले थर्ड ईयर वाले बच्चे जाएंगे फिर सेकेंड ईयर वाले बच्चे जाएंगे फिर हमारी बारी आएगी इट विल बी आफ्टर 3-4 ईयर्स एंड तब तक सब भूल जाएंगे पता है तब हमें एज अ कोविड बैच कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा एंड कोविड विल बी वेरी नॉर्मलाइज आई गेस तो उस टाइम पर वो सोचेंगे अरे तुम तो 3 साल पहले कोविड बैच वाले बच्चे हो एंड अभी गेटिंग इन टू कॉलेज ये कहकर कि अरे तुम तो कोविड बैच वाले बच्चे हो थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि तब वहां पर वो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे क्योंकि वहां पर मिक्स्ड क्राउड होगा यहाँ पर द क्राउड इज ऑल ऑफ द 12ties आर गोइंग गेटिंग इन टू कॉलेज बट उस समय कुछ ड्रॉप आउट्स होंगे अलग अलग एजेस के होंगे किसी ने अपनी 12th कभी करी होगी और फिर उसके बाद वहां पर कॉलेज में मिक्स क्राउड होता है बिकॉज आप फर्स्ट ईयर वाले हो फिर सेकेंड ईयर वाले हैं फिर थर्ड ईयर वाले हैं यू गेट मिक्सड अप और वही सेम कंपनीज आपके यहाँ बार बार आएंगी तो वो ऑल ऑफ अ सडन 3 साल बाद ये नहीं बोलेंगी ओ चलो अब हम आपको प्रिविलेज देते हैं बिकॉज यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड यू हैव सीन अ लॉट क्योंकि सफरिंग एंड ऑल द सिचुएशन दैट इज गोइंग अराउंड देखने की बात होती है बिकॉज टिल अ टाइम मार्च तक ऑल वॉज फाइन बट आफ्टर मार्च जब पीक आया जो सेकेंड वेव आई है इसमें लोगों को मेंटली ज्यादा परेशान किया तो इवन देर आर स्टूडेंट्स एंड हम में से भी वी कुडंट फोकस ऑन आर स्टडीज मच बिकॉज फैमिलीज भी हैं मेनी आर गेटिंग अफेक्टेड बहुत सारे हमारे नोन की डेथ्स हो रही है सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अस मतलब हम मेंटली स्टेबल नहीं थे एंड वी वर नॉट मेंटली अवेलेबल टू डेडिकेट आर टाइम टू स्टडीज स्टिल वी डिड मतलब आई वुड से दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 12 टिल नाउ ऑल्सो वी हैव बीन रेगुलरली स्टडींग एंड यू नो वी हैव बीन गिविंग आर बेस्ट हम बस करते जा रहे हैं कि इन द होप कि कुछ ना कुछ तो हो जाए यू नो आर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड वी विल बी समवेयर गुड वेल आई होप दैट इट पेज ऑफ एंड यू डोंट वरी अबाउट इट एंड सो अबाउट द अदर्स आई वांट टू भव्या लाइक आई सेड एंड आई लाइक आई आस्क्ड कि अदर अल्टरनेटिव आपके हिसाब से आई एक्चुअली एग्री विद सरगम मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से बट मेरे हिसाब से बोर्ड्स पोस्टपोन करना एंड सबको वैक्सीन लगवा के भी वैक्सीन इज नॉट 100% इफेक्टिव इट वैक्सीन डजेंट मीन कि आपको कोविड नहीं होगा इट जस्ट मीन्स कि उसके इफेक्ट्स प्रॉब्ली थोड़े कम होंगे सो मतलब उस केस में अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कोविड हो गया तो आप कंपार्टमेंट दे दो बट देन वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आता है कंपार्टमेंट विच इज़ नॉट समथिंग दैट एनीवन वांट्स और प्लस एक और चीज़ इसमें है कि अब बोर्ड्स डिले तो हो गए और ऑप्शन है कि आप दोबारा दे दो बट इट ओनली मैटर्स डिले होना ओनली मैटर्स इफ
एनीबडी एक्चुअली कंसिडर्स इट. मतलब जब हमारी प्लेसमेंट हो रही है सो इस बारे में उनको सोच, अगर वो ये सोचें, अब हम 3 साल बाद पता नहीं कैसा होगा सिनारियो, बट अगर हम ये माइंड में रख के चलें कि वो ये सोचेंगे कि ये बैच था और इनका कंपार्टमेंट डजंट नेसेसरली मीन कि लोग फेल हुए थे या समथिंग, इट जस्ट मीन्स कि प्रॉब्ली कुछ प्रॉब्लम हुई थी घर पे या खुद बीमार हो गए थे. एंड अभी भी यूनिवर्सिटीज कंसिडर करें जो हमारे रीटेस्ट हैं या डिले होंगे, तब तो उससे फर्क पड़ता है, वरना तो डिले करने का जस्ट गोइंग थ्रू दैट ऑल अगेन उसका कोई पॉइंट नहीं है. I think people have to be more considerate enough and remember ki, you know, what was going on, and you have to keep that in mind. That's what I think. And Jia, what's your take? Any other alternative in your mind? So, according to me, taking boards was not a possibility at that moment. So they cancelled it. That was fine. We could have taken, like, they introduced CUCET. That was entrance examination for DU. So that was a quite nice alternative क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है एंड इट इज वेल प्रॉक्टेड, तो चीटिंग का भी कोई ऐसे स्कोप नहीं होता, सो इट वुड हैव बीन फेयर. एंड डी यू में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एडमिशन भी ये सोच के लेते हैं कि इट्स फीस इज वेरी मिनिमम, आपकी फीस नहीं होती, तो जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको भी एक इक्वल चांस मिलता है. डी जो आपकी जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो उनकी फीस इज टू मच फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स टू अफोर्ड, सो दैट इज नॉट फेयर टू देम. So taking exam like CUCET would have been like a good chance for them, and they would have been taken admission into DU. But अब क्योंकि उनके तो specially if we take remote areas and villages, वहाँ पे तो हमें पता ही नहीं कि pre-boards भी उनके हुए नहीं हुए, online classes भी नहीं, they didn't have network connection, तो वहाँ पे कैसे हो पाएगा. तो उनका grading system और हमारे से भी, हम अपने marks के बारे में सोच रहे हैं उनके और बुरे हो गए हैं. So getting into DU is not at all a scope for them. So we should think of them. Okay. All right. And as Sargam mentioned, ki vaccination is the only option. And there are people, jaise physical exams, they are saying ki August mein ho sakte hai. So any of you is planning to go for it? Ya koi aapke aur friends hain who are actually going for it? Ya koi bhi, it's like a 0%. Koi nahi dene wala. दो दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था विच बेसिकली सेड कि अगर आप बोर्ड रीटेक करते हो तो आपके उसके मार्क्स लगेंगे. नाउ मतलब ऑब्वियसली वी वर ऑल होपिंग कि अगर हमने बोर्ड दिए तो हमारा इम्प्रूव ही होगा स्कोर, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि अच्छे ही आएंगे. तो लेट्स से आई डू गिव द बोर्ड एंड आई डू टेक द बोर्ड और मेरे नंबर जो मेरे पहले आ रहे थे उससे और कम आ जाते हैं, दैट विल बी अ वेरी हेल्पलेस सिचुएशन फॉर मी. आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई विल रिग्रेट गोइंग टू द बोर्ड. एट द सेम टाइम मेरे बाकी फ्रेंड्स जिन्होंने बोर्ड नहीं दिए, अगर उनके मुझसे अच्छे आए होंगे बाय चीटिंग और थ्रू एनी अदर मीन्स. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई नो अ स्टूडेंट, आई विल नॉट नेम हर और द स्कूल, बट आई नो समबडी जो ओपन स्कूलिंग कर रही है और उनके स्कूल ने लिटरली उनको ईमेल पर क्वेश्चन पेपर और आंसर की भेजी है कि आप ये लिख के हमें बाय संडे भेज दीजिए और यू लाइक टू देख देख के लिखना. और ऐसी मतलब इफ आई ओनली नो समबडी देन इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, ऐसे तो हर नुक एंड कैनी पे कोई ना कोई स्कूल होगा. तो एक्चुअली वी थ्री और वी फोर आर फेसिंग अ डिसएडवांटेज फॉर बीइंग इन अ गुड स्कूल. एंड आर पेरेंट्स जिन्होंने हमारा एडमिशन कराते हुए सोचा कि DPS है या हंसराज है या ये स्कूल प्री बोर्ड के टाइम अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे और मुश्किल पेपर रखेंगे कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, दे आर एक्चुअली फेसिंग अ डिसएडवांटेज. सो दिस इज ऑल वेरी इट्स अनसर्टेन एंड इट्स अ शॉक फॉर एवरीबडी. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द CU सेट. जो हमने कहा कि अगर CU सेट देते हैं तो नॉट नेसेसरली कि जो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने वाला था वो उसमें भी अच्छा करे, क्योंकि पूरा पैटर्न ही अलग है. और मुझे एक और बात लगती है, अगर CU सेट कराने के आपके पास रिसोर्सेज हैं या आप करा सकते हो तो इससे अच्छा बोर्ड ही करा लिए जाते कि मतलब एग्जाम तो बहुत बड़ा है और इफ एनी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉन्ट टू गो इन टू DU एंड इफ DU सेज कि CU सेट के बेसिस पे हम देंगे तो ऑलमोस्ट उतने ही स्टूडेंट CU सेट देंगे जो बोर्ड देने वाले. पर एन आर्ग्यूमेंट इज कि बोर्ड 5 होते हैं, CU सेट 1 होता है, बट देन अगेन कुछ ना कुछ करा जा सकता था. और जो वो बात है कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो गया और उस टाइम वो बोर्ड नहीं दे पाया तो वो तो आई डोंट थिंक दिस इज अ फ्लॉ ऑफ दिस ईयर इन पर्टिकुलर. आई थिंक वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की ही फ्लॉ है कि
अगर किसी बच्चे को मान लीजिए न्यूमोनिया हो जाता है तो उसे पूरा साल रिपीट करना पड़ता है, ऐसा कोई भी चिकन पॉक्स या जो भी आप ले लीजिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रीटेस्ट अरेंज नहीं कर पाते। पर अगेन ऐसी तो बहुत चीजें हैं जिन पे करेक्शन लेना है, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोविड अब एक बीमारी है, इट्स पार्ट ऑफ आवर रियलिटी एंड इट्स नॉट समथिंग कि हमें तो इसका वो मिलना चाहिए, पार्शियलिटी होनी चाहिए कि हम कोविड बैच हैं, क्योंकि अब तो ये हमारी दुनिया में आ चुका है। तो अगर किसी को कोविड हो जाता और वो बोर्ड ना दे पाता तो ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं होती, ये इन जनरल एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको एक पूरा साल रिपीट करके अगले साल बोर्ड देना चाहिए। तो उस बात पे चर्चा होनी चाहिए, वो इस साल की बात। And what about the others? कोई है? Are you also planning to give that physical exam? या नहीं, बिल्कुल ही नहीं, big no. आई थिंक इट डिपेंड्स कि हमारा जब रिजल्ट फॉर्म होता है तो उसमें कितनी रेगुलेशन होती है, हमें भी एग्जैक्टली आई थिंक किसी को समझ नहीं आया, वो टीचर्स ही डिसाइड करेंगी। तो अगर उससे हम लोग सेटिस्फाइड हैं, हमें डिसेंट जगह मिल रहा है एडमिशन, तो आई वुड नॉट प्रेफर टू टेक गुड एग्जाम्स अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत प्रिपरेशन उसमें भी इन्वॉल्व होती है, एंड वंस आई एम डन विद एंट्रेंस एग्जाम्स आई वोंट वांट टू डू दैट ऑल ओवर अगेन। So about taking the exams, I think अगर तो हमें पता चले कि if 12th boards really matter this year, because अब तो थोड़ा jokes हम बन गया है कि matter करेंगे भी कि नहीं करेंगे, because जो हमें result दिया जा रहा है वो actual हमारे 12th boards जो हम जाकर देखकर आ रहे हैं उसकी मेहनत तो नहीं है। तो अगर तो वो 12th boards कहीं matter होंगे आगे, तो अगर ये हमें clear कर दिया जाए तो we can think about it कि हम दे या ना दे। और एक और बात कि अगर हमें बोला जाए कि आपने फिजिकली जाकर भी एग्जाम दे दिया, तो अब अगर आपको लगता है कि स्कूल वाला आपका रिजल्ट ज्यादा बेटर था या जो आप देकर आए हो फिजिकली जो ऑप्शनल बोर्ड आप देकर आए हो उनमें से, अगर अब ऐसा ही हो गया जैसे सरगम ने बोला कि क्या पता स्कूल ने ही आपका अच्छा रिजल्ट बना के दे दिया, और अगर आप फिर भी इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो कि बोर्ड में चलो एक बार ट्राई कराता हूँ कि या कराती हूँ कि मैं शायद इम्प्रूव कर लूँ, तो अगर तो इम्प्रूवमेंट आता है then well and good, I will go with that result. But अगर इम्प्रूव नहीं होता है, because गारंटी तो नहीं है, तो अगर स्कूल वाला ही उससे बेटर हुआ मान लीजिए, तो फिर विल आई हैव द ऑप्शन टू चूज आइदर ऑफ देम? अगर ये भी हमें श्योरिटी हो जाएगी तो फिर उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट इट। बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेक द एग्जाम्स, बिकॉज यार मेहनत करिए तो थोड़ा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी है, चांस है, तो प्रूव करके दिखा देते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। और प्रूव करने की भी बात नहीं है, आई शुड नो दैट वेयर डू आई स्टैंड, ठीक है मेरी, क्योंकि पूरे साल हम प्रेपरेशन तो करते आए बट एज सच हमने कोई एग्जामिनेशन वाला इन्वायरमेंट में बैठ के हमने कोई एग्जाम नहीं दिया। वो जो रियालिटी चेक मिलता है आपको कि आपने इतनी प्रेपरेशन तो करी है बट आपकी गलती कहाँ हुई, कहाँ आपको और ज्यादा सुधारना है, ये सारी जो आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट लाइफ जो चेक पॉइंट्स आते रहते हैं कि आपको पता चलता है कि अच्छा इस टेस्ट में आपने यहाँ कमी करी है, अब आपको इसमें इम्प्रूव करना है, वो चीज पूरे साल थोड़ी मिसिंग रही थी, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम में अपना सेल्फ एनालिसिस भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऐसे एज सच बहुत सारे बच्चों को उनके उन्होंने जो आंसर्स लिखे हैं अगर नोटबुक में कुछ टाइप करके भेजते, कुछ कुछ ने नोटबुक में लिखकर पीडीएफ बनाकर भेजा है, कुछ टीचर्स के लिए इनकन्वीनियंट होता था कि वो चेक करके वापस करे या वो कैसे बताए, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हुआ। तो हमको एक्चुअल में रियलिटी चेक नहीं मिला कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए नाउ वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स कि हम चलो इसके लिए प्रिपेयर करके देखें, तो चलो ये भी ट्राई कर लेंगे, वो भी ट्राई कर लेंगे, ये भी ट्राई कर लेंगे, सो दैट हमें पता चले कि हमारा लेवल क्या है। तो अगर तो हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल कहाँ है, तो मतलब वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो, तो I would want to take the exams because I'm really keen कि यार marks पता तो चले, जो इतनी मेहनत करी है, जो हमने इतने सारे subjects, 5 subjects पढ़े हैं, हमने कितने अच्छे से preparation करी है, कितने marks आते हैं उस चीज के लिए, yes, but अगर तो वो final, full and final है कि वही marks consider करे जाएंगे। अब यहाँ पर भी बहुत अजीब सी बात है कि कुछ बच्चों के वो marks consider करे जाएंगे जो school ने बना के दिए, कुछ बच्चों के वो marks consider करे जाएंगे जो उन्होंने जाकर दिए, तो थोड़ा messed up situation है। I think self growth के लिए you had to have those board exams, it's very beneficial. And I think जो physical exams हैं उसके लिए you have to get clarity and surety. वो I think you really need it at the best.
एंड एकदम से अब हम जब कॉलेज में जाएंगे और हमको जब एकदम से एग्जाम्स हमारे सामने आएंगे तो हम कहीं उससे एस्केप ना करें, बिकॉज एज यू सेड कि एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ. तो अंडरगोइंग दैट प्रेशर ऑफ एग्जाम्स इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. मतलब हम वो प्रेशर कितने अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं, हम कैसे मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं, हम कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग एड्स अप. तो अगर एकदम से हमें कॉलेज में जाके पूल में गिरा दिया कि चलो अब स्विम करना स्टार्ट कर दो, और अगर हम उस समय डर गए तो बिकॉज अभी तो हम अपने कम्फर्ट जोन में थे, हमें क्या करना था, लैपटॉप खोलना था, हम अपने टेबल पर थे, अपने रूम में थे एंड अपने कम्फर्ट जोन में पेपर दे रहे थे. बट वो जो एग्जामिनेशन हॉल वाला जो स्ट्रेस होता है दैट यू कांट एस्केप फ्रॉम देयर. अब तो आप बैठ गए तो आपको तो 3 घंटे बैठ के लगातार अपना पूरा दिमाग लगाकर पेपर करना ही होगा एंड दैट एक्चुअली शोज योर ट्रू पोटेंशियल कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड हाउ आर यू ट्रेनिंग योर ब्रेन. आई थिंक इन लाइफ यू नीड बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एंड आई थिंक वो आपको एक मिलता है पर्सपेक्टिव. बट या इट्स ओके पैंडेमिक, आई थिंक एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट. सो या सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक आई सेड द पास्ट, सॉरी द फ्यूचर, द प्रेजेंट. टाइम टू टॉक अबाउट द पास्ट कि वो अनसर्टेनिटी एंड आई थिंक वो तो अभी भी है समवेयर और द अदर, बट वो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था. बट नाउ एक्चुअली आई थिंक यू काइंड ऑफ एक वे बन रहा है, चाहे वो धीरे धीरे हो रहा है बट आई थिंक वो एक ट्रैक पे आ रही है लाइफ सबकी, बी इट यू स्टूडेंट्स और एनी अदर. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जब वो बहुत ज्यादा ही अनसर्टेनिटी टू द पीक एंड एंग्जाइटी स्ट्रेस, सो हाउ डिड यू गाइस डील विद इट, स्टार्टिंग विद यू भव्या, वो फेज कैसा था लाइफ का, वो 20 days कोई पैंडेमिक एवरीथिंग. हाँ आई थिंक पूरे टाइम कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. अब ये न्यूज़ आ गई, अब दिस इज़, ये स्पेकुलेशन चल रही है, स्पेकुलेशन की न्यूज़ चल रही है, असली में कुछ आया नहीं है बट आने वाला है, इतने टाइम से आने वाला है. तो मतलब वो उस टाइम बहुत एंग्शियस थे हम सब लोग, और हमारे कुछ फ्रेंड्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह जा रहे हैं उनके सबके एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, हम लोगों का एग्जाम भी नहीं अभी पता कि क्या रहेगा सीन. तो ऑब्वियसली बहुत एंग्शियस थे. बट पर्सनली मैं एक्चुअली 9th से ही कोचिंग ले रही थी फॉर जेई, तो मेरे को काइंड ऑफ था कि उसकी कंडीशनिंग की अनसर्टेन रहता है, और लाइक 9th से आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो 12th एंड में होगा एंड यू हैव नो आइडिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. तो आई थिंक आई वॉज एबल टू हैंडल इट लिटल बेटर दैन द एवरेज स्टूडेंट, बट फिर भी मतलब बहुत एंग्जाइटी तो थी ही. और बहुत बड़ी बात है मतलब कॉलेज एडमिशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम कहें कि ठीक है लाइफ में इतना मैटर नहीं करता, इवेंचुअली सब नॉर्मल हो जाता है, बट अभी तो बहुत मैटर करता है एंड यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी चीज है. हाँ, तो जिया व्हाट अबाउट यू? अगर मैं उस 20-day पीरियड का बात करूँ जब कोविड वॉज ऑन पीक, तो एट दैट टाइम माई फैमिली वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड इट वॉज मेजरली माई ग्रैंड मदर. So she passed away recently. So but that time, if you would say ki did college or did studies matter to you, it didn't. I was like I had to help my family and all elders were sick because me and my brother are children and we could say that our immunity are a bit stronger. So hum thoda face kar paye the COVID ko aur mere ko nahi hua uski wajah se. So बट उस टाइम तो आपको यही होता है कि आप बस अपने घर की फैमिली से ही है. एवरीवन आप अपना व्हाट्सएप खोलो, इट इज़ लाइक आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है एंड ऑल दैट, हाई स्पीड कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी. तो एट दैट 20-day पीरियड तो सिर्फ वही दिमाग में था कि बस सबकी फैमिली से ही है एंड एवरीवन से. तो एट दैट टाइम स्टडीज वर नॉट इवन अ थिंग इन माइंड. व्हाट अबाउट I completely agree. मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंड फादर भी बहुत बहुत क्रिटिकली इल हो गए थे, और इट्स नॉट जस्ट मी, एवरी फैमिली, एवरी पर्सन आई नो न्यू समबडी हु हैड कोविड और हु वॉज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन. हम चारों के ग्रुप में वी स्टडी टुगेदर, सानवी स्टार्टेड दिस एंड वी हैव बीन स्टडिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. बट उस महीने तो ऐसा सन्नाटा पड़ गया था, आई डोंट थिंक मीटिंग भी स्टार्ट होती थी. एवरीबडी वॉज सो एंगेज इन देयर ओन होम्स, और इतना टैक्सिंग था नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द पॉपुलेशन इन जनरल, कि थिंग्स हैड गॉटन सो बैड. एवरी डे
there were more news of people that we knew passing away. And I think my mom and I, we counted one day ki how many people we were acquainted with are no more now after this. So it was a very emotionally challenging period. And in that time, like Jia ne kaha, education and exams and colleges were the last thing on our mind. So in that time, I think it was right on the government's part that और नॉट राइट मे बी बट उस समय आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्ड कि कोई अपडेट नहीं आ रहा या कुछ नहीं हो रहा बट राइटली जैसे भव्या ने कहा इट वॉज इट्स सो ट्रू कि एक अपडेट आता है फिर उसके आधे महीने बाद कुछ और अपडेट आता है विच इज लाइक वन और टू वर्ड इट एड्स मतलब इतना कम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि अनसर्टेंटी वो पूरे महीने बनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे बहुत दिनों से ऐसी स्पेक्यूलेशन चल रही थी कि कल रमेश पोखरियाल जी आएंगे 4 PM टू अनाउंस अबाउट मी 2021 और वो आए और उन्होंने कुछ चार बातें कही कि आप सेफ रहिए, हमारे मन में आप सेफ्टी ही सबसे आगे है और कुछ भी नया नहीं था बेसिकली वो सब फील. तो ऐसे कह कह के अपडेट आने वाली है अपडेट आने वाली है हमारी मतलब टेंशन बढ़ती है फिर घटती है बढ़ती है ऐसे बहुत अनसर्टेंटी रहती है. आई थिंक दैट इज मोर चैलेंजिंग फॉर अस. आई थिंक इट्स बेटर अगर वो ना ही बोले कि अभी कोई अपडेट आने वाली है कि अगर अपडेट के नाम पे आप यही कहेंगे जो आप एक महीने पहले भी कह चुके थे तो उस अपडेट का कोई मतलब नहीं है. तो दैट इज अ बिग चैलेंज दिस डे मतलब अपडेट सच में कोई अपडेट यू नो दैट वो एक बस क्रिएट करना इज नॉट रियली गुड एट दिस टाइम. एंड सानवी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. और पहले तो मुझे बता आपने कैसे एंग्जाइटी से डिड यू डू एनीथिंग कोई यू नो कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेड अ लॉट ऑफ बुक्स यू नो वेंट फॉर योगा और एनीथिंग लाइक दैट. कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो की आपने ड्यूरिंग दैट टाइम टू कोप अप विद एंग्जाइटी. उन 20 डेज जो पीक था आई डोंट थिंक सो एज एवरी वन सेड वी डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स बट द हेल्थ ऑफ आवर फैमिली एंड आवर नोन वंस. मतलब सबसे पहले जैसे मेरे फादर एंड मदर जैसे सबसे पहले मेरे फादर हुए देन आई गॉट इन्फेक्टेड फिर उसके बाद माई ब्रदर एंड देन माई मॉम. तो सबकी साइकिल वॉज सो डिफरेंट कि हमें वन एंड अ हाफ मंथ तो सबको ऐसे निकलने में लग गया कि अगर हम सब लोग 14 डेज भी क्वारंटीन है एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग कोविड अब 14 डेज का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा बिकॉज इट टेक्स मच मोर देन दैट. एंड कोविड का इम्पैक्ट जो साइड इफेक्ट जो वो छोड़ के जाता है वो ज्यादा डेंजरस है. तो कोविड एक बार होकर चला गया वो समझ में आता है बट उसके बाद आपको कैसे डील करना है योर होल रूटीन चेंजेस कि आपको कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है व्हाट ऑल यू हैव टू ऐड व्हाट ऑल यू हैव टू डिलीट उन चीजों पर ज्यादा ध्यान हो गया कि आपको खाना कितना अच्छे से खाना है पीने में क्या आपको हेल्दी ड्रिंक्स पीने हैं एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है पर्टिकुलरली. सब लोग इतने हमारे जो नोन वंस और जो लव्ड वंस थे हम यहाँ पर भी आके डिस्कस करते थे सब लोग हम चारों एक दूसरे के लिए फोन पर अवेलेबल रहते थे कि कभी किसी को किसी चीज की जरूरत है या कोई एक जेन्युइन हमारे में वी डोंट बिलीव इन फॉरवर्डेड मैसेजेस जो ऐसे रैंडमली चलते रहते हैं बट वी वुड से कि हाँ चलो ये वीडियो इज जेन्युइनली नाइस प्लीज डू रेफर टू इट वंस इट माइट हेल्प. तो ऐसे मतलब हेल्प तो हुई थी बट दो 20 डेज क्या वो 20 डेज से ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया था. एंड अभी भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली मेंबर्स एंड अपने आप का भी एंड जितने भी लोगों को हम जानते हैं वी हैव टू कीप चेकिंग अप ऑन देम कि आर यू ऑलराइट बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स. अभी हेल्थ के अलावा उस टाइम पे कुछ मैटर नहीं किया था पढ़ाई बिल्कुल नहीं मैटर करी थी एग्जाम्स हो ना हो कुछ नहीं फर्क पड़ा था बट वंस वी केम आउट ऑफ इट नाउ अब नाउ वी आर अ लिटिल कंसर्न. तो या आफ्टर दैट तो हमारे अंदर अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ गई थी. आई मीन माई फादर फिर तो रोज सुबह 7 o'clock सबको उठा दिया करते थे कि चलो योगा करो. आई यूज टू डू इट पहले से ही तो और वैसे भी हम बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है. मैं पहले भी करा करती थी मेडिटेशन योगा. मेरे पापा फिर तो मेरे छोटे भाई को ही इज जस्ट 8 years old उसको भी उठा के सुबह योगा कराते थे मम्मी को भी उठाते थे सबके टाइम टाइम पे ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लेवल चेक करना. और अब हमारा पूरा डाइट प्लान चेंज हो गया था ऑल ओवर सडन जितनी हेल्दी चीजें हम खा सकते थे वो भी रेफर करके कि हाँ चलो डॉक्टर ने बोला है इसमें ये एलिमेंट्स है ये चीजें हमको चाहिए ठीक है वेदर इट बी एनीथिंग आमंड्स वॉलनट फिग फिर उसके बाद जूसेस फ्रेश जूस जूसर मंगवाया गया स्पेशली
कि फ्रेश जूस निकाल के पियेंगे, ठीक है, शेक्स बनने स्टार्ट हो गए, एंड रोज सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमारी बेड साइड टेबल पे वो गिलोय और तुलसी का ग्लास रेडी होता था कि सुबह उठते ही आपको वो पीना है, रात में हल्दी वाला पीना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो मतलब ये सारी जो चीजें थी तो वो एक था, माय फादर कॉल्स इट जान बचाओ अभियान. तो वो सब लोग अपनी ही टुक लीव फ्रॉम एवरीथिंग कि चलो अब कुछ टाइम जब तक हम सब लोग हेल्दी नहीं हो जाते दैट वी कैन गेट बैक ऑन ट्रैक अपने वर्क पे ध्यान दे. तो तब तक हमने इतना ध्यान दिया कि इट बिकेम आर नॉर्मल एंड डेली रूटीन कि अब हम ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनकलकेट कर दी, तो इट विल कंटिन्यू. तो एंड वी फील हेल्दी नाउ, ठीक है, वी आर वेरी एक्टिव. तो उसके बाद जब वो हिट हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, एंड आई थिंक कि अच्छे के लिए ही हुआ है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम शायद पहले नहीं करते बट अब हम कर रहे हैं, हम उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. लाइफस्टाइल हमें चेंज करने का चांस मिला, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज्यादा चांस मिला, उनकी हेल्प करने का चांस मिला. सो उस टाइम पर ये सारी ही चीजें मैटर करती थी, हेल्प एंड सपोर्ट. Well, it feels great ki you guys are feeling healthy now, and that's the most important thing right now. So, acha. So now talking about like you talked about your dad. So, is pure duration mein, chahe 20 days ho ya usse pehle, pure ek saal ya usse bhi pehle, you know, during that, ye to ek journey ho gayi ki with uncertainty, stress, anxiety. So, usme aapke parents like how were they helpful and unka kya pura aim tha? And were they also going through that stress and wo pura process se, ya they were like constantly there, ya matlab kya unka kya take tha is pure process pe? So mere parents doctors hain dono, to wo log work from home nahi kar sakte the, to wo log ja hi rahe the. And fir so we had a maid, because matlab mere ko cook karna nahi aata, mere bhai ko nahi aata, so matlab wo help kar deti thi, but then he started coughing. And obviously we had to wait a little bit, matlab ab ghar chale jao. And so and then my grandfather also got it, he's passed away now. So pehle he was okay, matlab jab shuru mein unko hua, his first 10-15 days were perfectly fine, matlab unko slight fever hota tha but he was okay, but then he was hospitalized and worse hota gaya and eventually fir okay. So us time jo mere ghar pe stress tha, matlab खाना वॉज इवन, मतलब जो खाना एक मेन चीज़ होती है ना कि और कुछ ना हो खाना मिल जाए, वो भी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं थी. एंड देन मेरे दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक मेरे मतलब दादाजी हैं और मेरी नानी हैं, दोनों को ही कोविड हो गया था. एंड ये लोग इनके हॉस्पिटल्स में भी, अब दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, तो बहुत स्ट्रेस था वहाँ भी, कोविड का एकदम पीक चल रही थी, तो वहाँ वर्क की तरफ से भी बहुत स्ट्रेस था, और ऊपर से घर पे इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. मैं भी जैसे डीजाइज हो कि मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर ढूंढ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. एंड देन वहाँ जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उसके बाद भी इट इज़ नॉट ही फ्री हो गए, बिकॉज वहाँ भी बहुत स्ट्रेस है. उन लोगों को भी मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी, बट वो भी 100% पूरे टाइम अपना एक पेशेंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे हैं, बेड्स ही नहीं मिल रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन कि भाई मतलब सारे टाइम लगे ही हुए हैं. तो मतलब अगेन उस टाइम पढ़ाई तो बहुत ही, खाना ही प्रायोरिटी बहुत कम थी, तो पढ़ाई तो उसके भी नीचे ही थी. बट मतलब हमारे मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि आप अपने रूटीन से रहो, और मैं कुछ खास हेल्प कर भी नहीं सकती थी बिकॉज मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही हैंडल कर रहे थे. बट मतलब वो कह रहे थे कि आप पढ़ लो, आपका जो टास्क है आप कर लो, बट ऐसे कैसे करो, आपका माइंड तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, आपके डियर वंस इतने परेशान हैं, सिक हैं. तो बट ठीक है, मतलब अब तो हो गया, नानी गॉट बेटर, मतलब अब वो ठीक है, बट दादाजी पास्ट अवे, तो अब ठीक है, सब एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल. एंड व्हाट अबाउट यू ज्योति? जी सॉरी, फॉर मी माय फैमिली वी शिफ्टेड टू नाचन पे, लाइक हम माय मदर डिड ऑल द रिसर्च पॉसिबल, एंड वो दिन में कम से कम दो दो घंटे यूट्यूब पे सिर्फ नेचुरोपैथी की वीडियोस देखती थी कि व्हाट आर लाइक दे आर लाइक माय फादर टू माय फादर वाज क्वाइट एंड्यूरिंग, तो उन्होंने काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स लिए, तो ड्यू टू दैट अब उनकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, तो अब उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एलोपैथी एंड टेकिंग
एनी अदर मेडिसिन वी शिफ्टेड टू नेचुरोपैथी. वो डेली वॉक पे एंड वॉक आप बाहर नहीं करने जा सकते थे क्योंकि पार्क, तो वी गॉट टू टेरेस. हम टेरेस पे जाते थे, घर पे ट्रेडमिल ले आए एंड वी डिड लाइक घर पे आप जो कर सकते हो अच्छे से. एंड योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस डेली, लाइक वी यूज टू वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग और सब ऊपर टेरेस पे जाके फैमिली टाइम इकट्ठे स्पेंड करते थे. माय दादाजी ऑल्सो एंड ऑल, तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग में भी हेल्प करता था एवरीवेयर, क्योंकि आप सब घर पे हो, आप बोर हो जाते हो घर पे बैठे बैठे कि कब तक रहोगे घर पे, क्योंकि सबको आदत होती है अपने अपने काम में लगने की. तो इसको हम सारे ट्राई करते थे कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे करें, थोड़ा बेटर है कि सैलेड्स इंक्लूड ज़्यादा करें अपनी डाइट में एंड ऑल. तो ऐसे वी ओवरकम. एंड ठीक है, साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत तो इफेक्टेड रहते ही है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थोड़ी टाइम तक, बट ठीक है अब नेचुरोपैथी के बाद तो हो गया सही. आई थिंक लास्ट ईयर इन मार्च व्हेन द पैंडेमिक स्टार्टेड, उस समय माय पेरेंट्स वर ऑलवेज टेलिंग मी टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड दे ऑलवेज मेंटेन कि वक्त तो बदलेगा ही, वी कैन नॉट, वी हैव नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशंस अराउंड अस, वी हैव कंट्रोल ओवर हाउ वी रिएक्ट टू देम, हाउ वी रिस्पॉन्ड एंड व्हाट बेस्ट वी मेक ऑफ देम. तो शुरू से ही इनफैक्ट 11th में हमें अटेंडेंस की बहुत दिक्कत होती थी, भव्या विल रिलेट, साइंस किड Do not go to school. So our teachers were always telling us कि तुम्हारी 70% से कम होगी तो we can't help you. और हमें बहुत डांट पड़ती थी लैब. तो जब 12th में पूरी 12th ही हमारी जब लॉकडाउन में गई तो it felt like a blessing in disguise in many ways. कि हमें घर बैठे बैठे हर क्लास अटेंड करने को मिल रही है. हमारा वर्कलोड इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता था, वरना स्कूल भी जाओ फिर घर आके कोचिंग भी जाओ फिर सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालो. अब सब एक जगह हमारी स्टडी टेबल पे इन द कंफर्ट इवन आर बेड समटाइम्स, अगर किसी दिन उठा नहीं जा रहा तो बेड पे क्लास अटेंड करो. तो दैट वे लास्ट ईयर वॉज अ वेरी गुड ईयर, बट दिस एंड वी गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम विद आर फैमिलीज विच वॉज जस्ट इट वॉज इम्पॉसिबल इन क्लास 11th कि खुद के लिए ही टाइम नहीं निकलता था. तो फैमिली तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू align all of our schedules and find time to spend together. So that way we grew a lot closer and but this year when it got so bad, that it was bad last year too, but this year I think it touched everybody. Koi bhi nahi bacha is saal jisne nahi dekha apni khud ki family mein ya apne bahut close relatives mein. All of my, I think my mother has 2 siblings, both of their families have had COVID, my father's brother has had COVID. Nobody has been left untouched by it. And when my grandfather, when he got critically ill, us samay it brought our family together in so many ways. And pure samay hum yehi concentrator arrange karne aur dadu ki tabiyat kaisi chal rahi hai isi mein lage rehte the. So that was a very taxing period, lekin usne hame itna kuch sikhaya, hamari emotional resilience itni badhai hai is samay ne, and it has made us realize ki वॉट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. जैसे पहले तो हमें इसी सब से फर्क पड़ रहा होता था कि सैटरडे को कौन से मॉल जाएंगे या ये वाली पिक्चर देखेंगे या ऑर्डर कर लेते हैं कुछ, बट इस समय लाइक भव्या सेड खाना भी किसी के दिमाग में नहीं था, मतलब बाकी सब तो छोड़ो. तो इट मेड अस अवेयर कि वॉट रियली मैटर्स इज आवर फैमिली एंड आवर क्लोज वंस एंड द हेल्थ ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ दी सुपरफिशियल थिंग्स जिसमें हम पिछले साल के पहले इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहता था कि असली में हमारा एसेंस क्या है. हम रोज ही हमारे स्केड्यूल इतने पैक्ड होते थे कि आज यहाँ जाना है आज वहाँ जाना है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जो टाइम है वो हमें एक्चुअली इस पैंडेमिक के दौरान ही मिला है. एंड डेफिनेटली इट हैज कम एट अ ग्रेट कॉस्ट, वी हैव ऑल सफर्ड सो मेनी लॉसेज एंड दैट कैन नेवर बी रिपेड, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखा के भी गया है. तो वी शुड लुक एट द सिल्वर लाइनिंग ऑफ थिंग्स एंड होपफुली दिस विल द थर्ड वेव विल बी द लास्ट वेव, होपफुली इट विल ऑल एंड वेरी सून, दैट्स व्हाट वी ऑल होप. इट विल, एंड आई थिंक समवेयर और द अदर पैंडेमिक गेव अस अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो आई थिंक आई नो कि इट वॉज लाइक यू सेड एट अ बिग कॉस्ट, बट समवेयर और द अदर इट डिड. So yeah, now Sanvi, I want to know how your parents were, you're involved in everything, family. Just as Dia said, even our family shifted from allopathy to naturopathy. क्योंकि कोविड जब when they were critically ill, तो स्टेरॉइड्स लेने ही पड़े थे.
बिकॉज दे हैड टू कम आउट ऑफ इट. फीवर बिल्कुल नहीं जा रहा था. बट स्टीरोइड्स के साइड इफेक्ट्स, ऑल्दो कहते हैं कि अगर आप स्टीरोइड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप लेते हो तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, बट पता चला कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डोजेस दी जा रही है, कुछ लोगों को कम दी जा रही है, तो वेरिएशन इतने हैं. एंड द वंस हू हैव नेवर टेकन स्टीरोइड उनको प्रॉब्लम होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई डैड, उनको हाई बीपी और हाई शुगर की प्रॉब्लम है. ऑन दी अदर हैंड मेरी मॉम को लो बीपी एंड लो शुगर की प्रॉब्लम है. तो हम दोनों को डील करने का तरीका उस चीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एंड जब मेरे फादर बाहर निकले थे घर से फॉर हिज ऑफिस वर्क, तो वन डे ही वाज शिवरिंग कि जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल डेज चल रहे थे. एंड लेटली अभी एक दो दिन पहले की बात है, ही वाज इन द ऑफिस एंड इन अ मीटिंग, एंड जैसे ही मीटिंग ओवर हुई ही वेंट बैक टू हिज केबिन और वहाँ ही वॉज शिवरिंग. तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी एंड ही फेल्ट दैट उनको ब्रीदिंग मतलब सांस फूलना ज्यादा हो रही थी, हाफ ज्यादा रहे थे. तो मतलब वही कंसर्न वाली बात आ जाती है कि ये चीज कभी पहले नहीं होती थी. एंड वॉक एकदम से थोड़ी रुक गई क्योंकि वॉक जनरली लोग एक कभी सुबह कभी शाम में जाकर करते थे टू मेंटेन देयर हेल्थ. मतलब जनरली कहा जाता है कि अगर आप 10,000 टू 15,000 स्टेप्स अगर आप चलते हो तो आप तब भी फिट रहते हो एंड इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. पर ये चीज एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे एंड रिस्क तो था ही. और बहुत टाइम के लिए हमारी जो कफिंग है वो नहीं जा रही थी. एंड मेरी अभी भी मेरे को रात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरी कफिंग नहीं जाती है. एंड इट हैज बीन 2 months जब से मेरे को कोविड हुआ है. एंड तो अभी भी बाहर जाना थोड़ा रिस्की लगता है कि अगर मैं रात को अगर मान लो वॉक करने जाती हूँ तो अगर मैं कहीं कफ ना कर दूँ, 1% चांस भी अगर किसी को और को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट इज डेंजरस. बट अब जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा उनके लेग्स में प्रॉब्लम लग रही है कि एज इफ उनके थोड़े मसल्स या बोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है जितनी पहले नहीं लगा करती थी. मतलब नॉर्मल से तो काफी डिफरेंट है, बट शी थिंक्स दैट इट्स बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स. बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू नेचुरोपैथी अ लॉट क्योंकि एलोपैथी एक टाइम तक उसने काम किया, बट फॉर अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नेचुरोपैथी पे टर्न कर जाना इज अ बेटर ऑप्शन. तो या थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. अब जैसे फैमिली इज ऑल हेल्दी नाउ, अब वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन आवर थिंग्स. अभी भी वी हैव गॉट दैट थिंग इम्बाइब्ड इन अस जहाँ पर वी ऑल हेल्प ईच अदर एंड वी मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क भी हो या अपनी पढ़ाई भी हो. सो नाउ वी आर एबल टू टॉक फ्रीली, फ्री माइंडेड कि चलो अब थोड़ी सी उस टेंशन से हट के थोड़ी बातें करें. Let's not talk about that now. So, as just like Sargam said, a ray of hope is coming. Ki yeah, things are getting back on track and they are getting better now. And we really hope that the third wave is the last wave. Aur iske baad ab kuch na ho and iske baad sab kuch settle ho jaye and sab kuch sahi ho jaye. We hope that too. And lastly, quickly, ab mujhe sab charon bata do. Your take on vaccination. Pehle to tell me ki are you guys 18 or 18 above? All of you? Yeah, I am 18. I'm still 17. I'm also still 17. 17. So I'm 18. Okay, you're 18. So you guys have, Bhavya and Jia, you guys have vaccinated? You've got your vaccine? I have gotten my first dose, but second dose is pending. Okay, so guys, you can quickly tell me about vaccination, you take on that. I think there was a study recently which said that if 70% of people, अगर 70% लोग population में से vaccine लगवा लेते हैं तो third wave avoid हो सकती है. तो अगर third wave से पहले भी अगर 70% लोग लगा लें तो हम third wave avoid कर सकते हैं. हमने second wave के चक्कर में देख लिया है, that is something तो हम नहीं चाहते obviously. तो मतलब आई गेट कि वैक्सीन एक 100% प्रूफ नहीं होता है, बट वो एक तो लॉन्ग टर्म इलनेस प्रिवेंट करता है और प्लस जितने ज्यादा लोग होंगे उतना प्रिवेंट, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको तो स्पेशली होगा ही नहीं शायद अगर वो वैक्सीन भी लगवा लें तो लगवानी ही चाहिए डेफिनेटली. एंड यू हैव गॉट योर फर्स्ट डोज राइट? या सानवी यू? Yeah, I think that now vaccination is the only way out. Jaise Bhavya ne kaha, I was even gonna state the same thing ki 70-80% ya to aap vaccine lagwa, 70-80% of the population ya to unko vaccine lag jaye ya wo infect ho jaye. So we can prevent the third wave. So it's better ki ab vaccine hi lagwa do. Kaun chahega ki aise infect ho, aur koi bhi nahi chahta ki ab aage koi bhi infect ho. So vaccine lagwana is a better option and in fact it's the only option left. So although it's not 100% true, और मतलब हमें नहीं पता कि
works 100%. But still, we can, you know, hope for the best and lagwal. I've also gotten my first shot. First shot you have. Okay. Of Covishield, right? Yeah, Covishield. Okay. And Jia, what about you? तो वैक्सीन तो मैं भी लगवा नहीं सकती क्योंकि आई गॉट इन्फेक्टेड लाइक अ मंथ अगो सो लाइक यू हैव टू हैव अ गैप ऑफ 3 months सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बट यस वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बाहर जाना है आप सोचते हो कि यू हैव टू रोम इन मॉल्स आपको वही अपने सैटरडे प्लान्स बनाने हैं फिर से तो यू हैव सो यस एंड साथ में और अपने वैक्सीन इज नॉट ऑब्वियसली 100% श्योरिटी सो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान देना चाहिए बहुत लोग ये कहते हैं कि 100% नहीं है कोई गारंटी नहीं है बट कोविड के अगेंस्ट अगर आपको 1% भी प्रोटेक्शन मिल रही है यू शुड टेक इट ग्रैब इट इन फैक्ट आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं मेरे को तो या तो मेरे को 100% चाहिए या मेरे को चाहिए ही नहीं दैट इज फुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई थॉट कि इस समय मतलब मोस्ट पीपल वुड बी अवेयर ऑफ दिस बट अ फ्यू वीक्स अगो आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड शी हैड गॉटन कोविड एंड आई सेड कि तुमने वैक्सीन लगवाई थी एंड शी सेड नहीं यार हमने नहीं लगवाई वो तो मेरे पापा ने लगवा ली थी उनके ऑफिस ने मैंडेटरी कर दिया सो आई थिंक बहुत फैमिलीज अभी तक अवेयर ही नहीं है कि हाउ बिग ऑफ एन ब्लेसिंग इट इज दैट वी हैव अ वैक्सीन अवेलेबल राइट नाउ एंड हाउ मेनी पीपल हैव वर्क्ड सो हार्ड टू क्रिएट इट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड चाहे आप किसी भी पोलिटिकल साइड पे हो एवरी वन ऑफ पोजिशन इज सेइंग कि आप वैक्सीन लगवाओ और अगर आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट एंड इट्स नॉट दैट बहुत झंझट है आई अग्री कि बुकिंग के टाइम पे काफी जल्दी जल्दी हमें बुक करना पड़ रहा था वरना स्लॉट्स फिल हो जा रहे थे लेकिन वंस इट वाज बुक आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई वेंट टू द सेंटर एंड दे गाइडेड मी इनसाइड एंड विद इन 10 minutes आई थिंक दैट्स एन एक्सेप्शन आई थिंक ज्यादा ही जल्दी हो गया मेरा लेकिन आई डोंट थिंक उतना टाइम किसी को भी लग रहा है और बहुत ही अच्छे से दे पुट इट एंड देन had to wait for 30 minutes. The following night was a difficult night. Us night bahut bukhar ho gaya tha, body is but it's definitely worth it. It's a price to pay for the protection that you get against COVID and a very qualified doctors and scientists and very learned people have given the green light to the vaccine. So please trust them and get yourself vaccinated. I know. So I think अभी भी एक doubt और हिचकिचाहट है. But if the young mind, the youth can understand, I'm sure the others should as well. And if you guys are so positive about it, I'm sure the others should be. So thank you so much, girls, for connecting with us. It was a pleasure at DNP India to talk to you. I know छोटा सा बोला था, but बहुत ही लंबा discussion चल गया. But I think it was really needed at the time, at the moment. So thank you so much. Really. So देखा आपने? Did you hear them out? जब ये लोग वैक्सीनेशन की अहमियत समझ रहे हैं being at such young age, why can't you? So अभी भी कोई doubt है? Then just leave it aside. So these girls, and I am sure इस time पे सभी students are in this position, but the fact that they're facing these hurdles with so much positivity is what makes them different. So कर्म करते रहें. Do everything with determination and hard work. And I am sure, really sure, that you will surely excel. All the best to all the aspiring students out there. So if you like today's segment, then please do like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep showering your love, keep loving our videos and keep watching DNP India.